हे, मैं हूँ आपका दोस्त अंकित। आज हम बात करने वाले हैं क्लिक बैंक का बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि बहुत सारे लोग को दिक्कत आ रही है कि क्लिक बैंक में अकाउंट ओपन कर नहीं पा रहे। मैंने ऑलरेडी 3 अकाउंट ओपन किए और तीनों बार सक्सेसफुली ओपन हो चुके हैं, बट पता नहीं कई लोग को दिक्कत आ रही है। तो उनके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, बेस्ट अल्टरनेटिव मान सकती है। सेम टू सेम क्लिक बैंक की तरह काम करता है और उसका नाम है डिजिस्टोर 24। मैंने ऑलरेडी 400 डॉलर की सेल ऑलरेडी मैंने कर दी है। मैं सारी डिटेल के साथ बताऊंगा, वो भी प्रूफ भी दिखाऊंगा, और साइन अप कैसे करना है, बैंक कैसे ऐड करनी है और कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, वो सारी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन लोग को क्लिक बैंक में दिक्कत आ रही है और क्लिक बैंक में अकाउंट भले आपका ओपन हो, फिर भी आप ये डिजिस्टोर ट्राई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है, वो आप इजिली सेल कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोग नए हैं तो आप पहले बता दूं, मैं हूँ अंकित, मैं एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आपको पिंटरेस्ट की एक सीरीज बनाई है, जिसमें मैंने फ्री ट्रैफिक कैसे लाया वो सारी डिटेल के साथ बात की है। तो आई बटन में जाके चेक कर सकते हो आप, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना, और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्पेशल बात है कि जो लोग को दिक्कत आ रही है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, मैं उनको पूरी हेल्प करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो भले नए हो तो यार प्लीज अभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए लैपटॉप की डिस्प्ले में चलते और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अभी हम आ चुके हैं डिजिस्टोर 24 के होम पेज पे। आपको यहाँ यूआरएल दिख रहा होगा और मैं आपको ऐसा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। नहीं तो गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो। तो जब भी आप गूगल मतलब इसके पेज में आओगे तो आपको ये सारी होम पेज पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना हो तो उसके जो फाउंडर है उनके सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। जो लोग जो लोग क्लिक बैंक ऑलरेडी यूज करते हैं उनके लिए बता दूंगा सबसे बेस्ट है, क्योंकि सारा मतलब सारी जो ऑप्शन है सब कुछ वो सेम टू सेम क्लिक बैंक की तरह ही है। और थोड़ा ग्राफिक्स का चेंज है, थोड़ा बहुत चेंज है, बट बहुत ही ईजी है। जो लोग क्लिक बैंक में वर्क कर चुके हैं उनको बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोग ने क्लिक बैंक में काम नहीं किया उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, कुछ भी ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं तो आप आइए रजिस्टर नाउ पे, ठीक है। आप रजिस्टर नाउ पे आप आगे आपको सिंपल सी जो फॉर्मल इंफॉर्मेशन करनी है वो कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ये डिस्प्ले मिल जाएगी, थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ साइनअप में 3 ऑप्शन, पहले आ गए क्रिएट अकाउंट में, यहाँ देखो आपको साइनअप में 3 अकाउंट दिखा रही है, वेंडर एंड एफिलिएट, एफिलिएट और वेंडर। वेंडर जो लोग खुद मतलब खुद के प्रोडक्ट रखते हैं जिसकी हम एफिलिएट के थ्रू मतलब हम सेल करवाते, तो वो हमें जरूरत नहीं है। जो किसी को जरूरत है तो वेंडर और एफिलिएट भी कर सकता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं तो सजेशन आपको करूंगा कि आप एफिलिएट सिलेक्ट कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो एफिलिएट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ यूजर नेम देना है, यूजर नेम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं लेता, ठीक है। तो आप यहाँ जो करोगे तो आपका एक एफिलिएट लिंक यहाँ ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो गो ओके, जो मेरा मतलब यूजर नेम सिलेक्ट किया वो आ गया, और 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप सब कुछ वो चेक कर लेना, ठीक है। और आपका जो स्टार दिया हुआ है वो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कंपलसरी फिल करनी होगी, जिसमें स्टार नहीं होगा वो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है, तो आपको वो स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पासवर्ड रिपीट पासवर्ड आप कर दीजिए, ठीक है, सॉरी ये ईमेल आईडी है, तो आप ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए। बस उसके बाद आपको जाना है पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग थोड़ा चूज करना तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड, यहाँ जो आपकी डिटेल होगी जो एज यूजुअल डिटेल आती है, नेम है या क्लास नेम है, एड्रेस है, वो सब कुछ डालने के बाद आपका फोन नंबर सिलेक्ट करके, और ये जो एग्रीमेंट है, तो जो लोग पढ़ना पहली बार आए हो तो आपको B2B कॉन्ट्रैक्ट रीड करना, तो एक बार रीड कर लीजिए, कुछ ज़्यादा होता नहीं, जो हर एक में होता है वो सारी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। तो आप नए हो तो पहले एक बार रीड करना, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और रीड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप रजिस्टर फॉर फ्री नाउ कर देना, ठीक है। और करने के बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं आपको उसके बाद की जो डिस्प्ले आएगी वो आपको दिखा देता हूँ। आपके मेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, तो वो मेल भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते, तो मैं यहाँ अपना अकाउंट एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये हो गया डिजिस्टोर का 24 का, मतलब मैंने आपको साइन अप प्रोसेस बता दिया, एकदम सिंपल है, कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं, ठीक है। अब जब आओगे इस पेज पे तो आपको सबसे पहले ये याद रखना, जो आपने
यहाँ एफिलेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। वेंडर हो तो वो सिलेक्ट करके एफिलेट कर दीजिए, तो आपको एफिलेट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए सिंपल एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड, मार्केट प्लेस, अकाउंट और रिपोर्ट, जो आपके पे में ऑलरेडी ये सारी डिटेल होती है, ठीक है। यहाँ जो मेरी अर्निंग टोटल हुई वो दिखा रही है, 453 रुपीज़, और क्लिक कितने आए मेरे अभी तक वेबसाइट पे तो वो भी दिखा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लिक आई है, अर्निंग पर क्लिक कितने आ रहा है, कैंसिलेशन रेट कितना, अभी तक वो कैंसिलेशन मतलब हुआ नहीं मेरा। डिजी स्टोर का एवरेज दिखा रहा है 6%, ठीक है। और यहाँ जो मेरी अर्निंग है वो आपको दिखा दे रही है, आपको यहाँ डेली चार्ट डेली के बेस पे मिलेगा, यहाँ आपको वो चार्ट मिल जाएगा, आप यहाँ वीकली रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, वीकली रिपोर्ट देख सकते हो मेरा अप्रैल का ये सारा मोस्टली, जो अभी $45, $104 और $226.76, तो ऑन एवरेज $100 तक हो जाता है, बट अभी कोरोना की वजह से अर्निंग बहुत कम हो चुकी है, बट फ्री में मिल रही है तो सबसे बेस्ट है। और जितनी भी मतलब सेल हुई है वो सारी फ्री मेथड से पिंटरेस्ट से मैंने की है, मैंने उसके ऑलरेडी एक सीरीज बना के रखी है, तो आई बटन आपको मिल जाएगी, आप नए हो तो वो सीरीज देख लीजिए कि फ्री में ट्रैफिक कैसे लाना है सब कुछ, ठीक है। मैं अभी पेड एडवर्टाइजमेंट कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी क्लिक्स आ रही है बट सेल नहीं हो रही, तो कैंपेन लॉस में चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी फ्री में जो मिली है वो ट्रैफिक कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो सबसे बेस्ट है, या क्लिक्स आ रही है और सेल भी हो रही है, अभी इतना टाइम खराब चला है फिर भी अच्छी खासी सेल हो रही है, आप यहाँ देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ कौन सी अपने प्रोडक्ट सेल की वो टॉप प्रोडक्ट आ जाएगी, तो मैंने मोस्टली प्रोडक्ट सेल की ओवरनाइट मिलीनियर, क्योंकि मैं आया था अभी ऐसे कि क्लिक दे में ओवरनाइट मिनट मिलीनियर पहले अच्छी चल रही थी, मैं उसमें सेल कर रहा था, बट पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई होगी क्लिक बैंक में, तो वो प्रोडक्ट वहां से हट गई और डिजी स्टोर में आई, तब मुझे पता चला कि डिजी स्टोर करके ऐसा क्लिक बैंक का अकाउंट है, तो मैं आई थिंक अप्रैल के स्टार्टिंग में या मार्च के एंडिंग में अकाउंट मैंने ओपन कर दिया था, बट बहुत अच्छा कन्वर्जेशन हो रहा है, और उसमें क्लिक मतलब जो क्लिक बैंक में ऑनलाइन मिलेना की जो प्रोडक्ट थी उससे ज्यादा कमीशन डिजी स्टोर में दे रहे हो, तो सबसे बेस्ट ही है, बहुत कम मिल रहा था वह $24 के समथिंग, $1 में मुझे कन्वर्जेशन मिल रहा था, यहाँ मुझे $45 तक मिल रहा है, तो बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अभी तक आप देख सकते हो मैंने टोटल 581 की सेल की है ऑनलाइन मिलने की, उसमें जो कमीशन मुझे मिल चुका है $453 की, ठीक है। और सारी की सारी मतलब मैंने सेल फ्री मेथड से की है, मैंने ऑलरेडी आगे भी वीडियो बनाए, आप यहाँ देख सकते हो मुझे कब आएगा, अभी 7 तारीख को मुझे मिल जाएगा $400 मेरे अकाउंट पे, ठीक है। और ये सब आप सब डिटेल में देख सकते हो, यहाँ पे आउट चार्ट पे आपको दिख जाएगा कब आपका पेमेंट आने वाला है, वो पेमेंट का भी मैं आपको दिखा था कैसे सेट करना है, तो ये हो गया सिंपल, इसकी बात हो गई ओवरव्यू डैशबोर्ड के बारे में। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पेमेंट वाला, कि पेमेंट अकाउंट कैसे सेटअप करना है, तो उसके लिए आपको अकाउंट में जाना पड़ेगा, और अकाउंट में एक ऑप्शन ऑप्शन मिल जाएगा पे आउट अकाउंट करके, ठीक है। तो पे आउट अकाउंट पे मतलब आओगे तो आपको सिंपली दिखेगा आपका जो करंट पासवर्ड है वो पहले डालना पड़ेगा, और आपको यहाँ देखिए पेमेंट कैसे हो रहा है, पे आउट कैसे कर रहे, 1 7 तारीख को हो रहा है, 1 7 तारीख को 21 तारीख को हो रहा है मंथ के, और एक हो रहा है 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख मंथ में, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे देख सकते हो 7 तारीख को पेमेंट होती है वो मिनिमम $50 होगी तो भी आपका मतलब पे आउट हो जाएगा, 14 तारीख को मिनिमम $200 चाहिए, 21 तारीख को भी चाहिए तो मिनिमम $200, तो आप कोई दूसरी डेट में करवा दो तो आपका मिनिमम $200 के ऊपर होगा तो ही आपका पे आउट होगा, तो इससे बेस्ट है कि एक ही दिन रखिए 7 तारीख को, वो जितना भी महीने का पूरा होगा वो पूरा आ जाएगा, पहले $50 होगा तो भी आपके अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक्टिव में यस लिखना है, और फॉर सेल इन करेंसी वो तो सारी की सारी हमें सिलेक्ट करके रखनी है, ठीक है। और नोटिफाई बाय ईमेल, और जब भी आपका पे आउट होगा तब आपको ईमेल में नोटिफाई मिलेगा, तो आप यहाँ मल्टीपल ईमेल आईडी डाल सकते हो, आप बीच में कॉमा कर देना है, ठीक है, सिंपल ही है। और पे आउट मेथड में आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, एक तो US बैंक ट्रांसफर, इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर और पेपाल, तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि पेपाल सबसे बेस्ट और इजी मेथड है, और उसे हम इजीली बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए पेपाल, मैंने खुद पेपाल रखा है, ठीक है। तो आपको पेपाल का जो ईमेल आईडी जो आपने साइन अप किया वो ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए, आपके अकाउंट में साथ मतलब जो तारीख आपने सिलेक्ट की वो तारीख को आपके क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा है यहाँ तो पे आउट, तो पे आउट किस में चाहिए, तो हमें चाहिए USD में, ठीक है, वहाँ हम पेपाल में USD का INR कन्वर्ट करके हमें बैंक में डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ आप सेव कर देना, आपको न्यू पेमेंट पे आउट अकाउंट करना है तो फिर से क्लिक करना, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से फिल करनी होगी, तो ये सारी बातें हो गई पेमेंट के बारे में, ठीक है। आप देखने जाओगे तो जो लोग ऑलरेडी क्लिक बैंक यूज करते होंगे उनको सबको मालूम ही होगा कि ये सारे ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है क्लिक बैंक में। अभी हम बात करते हैं मार्केट प्लेस में, तो
तो मार्केट प्लेस में एक ऐसा है जैसे क्लिक बैंक में ये वैसा ही सेम टू सेम है, तो सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मार्केट प्लेस में अभी आपको जो फर्स्ट प्रोडक्ट दिखेगी वो सबसे ज्यादा मतलब सेल हो रही है, वो सबसे मतलब टॉप पे ही रहेगी। यहाँ पे भी आप यहाँ देख सकते हो 400 मिलियनर, ठीक है, यही टॉप पे 92% कमीशन दे रही है। और अर्निंग देख सकते हो $44 आपको पर सेल में आराम से मिल जाती है। और मैं जब क्लिक बैंक में प्रोडक्ट प्रमोट करके तो मुझे $24 मिलता था, मतलब अभी ऑलमोस्ट डबल के आसपास मुझे मिल रहा है। तो एवरेज प्राइस देख सकते हो $39 है, कमीशन $92 है, अर्निंग सेल देख तो $44 नेट है। तो ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन आप पहले चेक कर लीजिए। और देखो क्रिएटिव भी 10 वीक्स पहले अभी ही ये प्रोडक्ट आई है, पहले वो प्रोडक्ट थी क्लिक बैंक पे ऑलरेडी, ठीक है। तो सिंगल पेमेंट है और उसमें कई सारी जो होती है फनल में उसकी दूसरी भी आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, वो भी आपको दिखा था वो कि कौन कौन सी मुझे इससे एक्स्ट्रा अर्निंग हुई, अपसेल हुई है वो भी, ठीक है। सेल्स रैंक देख सकते हो 1 पे है, कार्ड कन्वर्जेशन 11% और कैंसिलेशन रेट भी 11% है। तो कैंसिलेशन रेट भी ज्यादा है, बट अभी तक मेरा लक है कि मुझे अभी कैंसिलेशन रेट अभी कुछ मतलब कैंसिल कोई प्रोडक्ट हुई नहीं, तो अभी अर्निंग अच्छी चली है। आप यहाँ देख सकते हो बेटिंग सिस्टम, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएगी। हाँ कंपेयर टू क्लिक बैंक कम प्रोडक्ट है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप, बट यहाँ आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट। तो जो लोग का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है वो यहाँ के ट्राई कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैंने भी ट्राई किया, मुझे पहले वीक से ही अर्निंग होनी स्टार्ट हो गई। अभी तक मैंने आप देख सकते हो मैंने $400 से भी ज्यादा अर्निंग की, वो भी फ्री मेथड से। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। आप यहाँ जो शॉर्ट करना, जैसे हम ग्रेविटी कर एक ऑप्शन आता था कि कितनी मतलब सेल अच्छी हो रही है उसके हिसाब से हम चेक करते थे, तो आपको यहाँ रखना है सेल्स रैंक। तो सेल्स रैंक ज्यादा होगा इसका मतलब वो अभी फिलहाल ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में हो और उसका कन्वर्जेशन रेट बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो सेल्स रैंक उसके हिसाब से आप दे रहे हैं। तो आपको यही करना है, मैं तो यही करके चेक करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं सबसे ज्यादा यही इस पे इस पूरा ट्रैफिक भेज रहा हूँ क्योंकि इसका कन्वर्जेशन रेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजिली कन्वर्ट हो जाता है। और प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है मुझे मालूम है, बट उसका जो वीडियो जो है मतलब जो उसका लैंडिंग पेज वो बहुत ही मतलब जबरदस्त है, और मतलब कि ऑलरेडी मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेता। हाँ उसमें अपसेल कम हो रही है कि मतलब आपको मंथली रिकरिंग अमाउंट नहीं मिलेगी, बट जो बिगिनर है उनके लिए अच्छा है कि वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। तो ये बात हो गई मार्केट प्लेस में। आप यहाँ आएंगे आपको बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएगी जो ऑलरेडी क्लिक बैंक पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कीटो की है, कीटो डिजर्ट, तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो क्लिक बैंक में भी ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अकाउंट के बारे में, वो तो हमने बता दिया, और उसमें डिटेल में तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, ये सब आपको कुछ ज़्यादा टाइम काम का नहीं है। ट्रैकिंग में आप अपना जो क्लिक मतलब जो लिंक बनाते हैं उसको ट्रैक करने के लिए आप यहाँ से न्यू सेटअप करके बना सकते हो। तो मैं तो एक कुछ ज़्यादा यूज़ करता हूँ नहीं, ठीक है। तो आप जो करने वाले हो ट्रैकिंग के, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, आप ट्रैक कैसे करना है सब कुछ। बट अभी तक मैंने ये यूज़ किया नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा काम का है नहीं अपने को। अभी हम बात करते हैं मेन चीज़ रिपोर्ट की। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनालिटिक्स टूल पे, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अभी तक आपकी कितनी सेल हुई है, कितनी क्लिक्स आई, वो डिटेल के साथ मिलेगी। तो मैं सबसे ज़्यादा जो चेक करता हूँ वो यही रिपोर्ट चेक करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कन्वर्जेशन रेट कितना है, प्रोमो लिंक टू ऑर्डर तो 4% है, कन्वर्जेशन जो ऑर्डर फॉर्म में आते हैं और ऑर्डर देते हैं वो बहुत ही अच्छा मेरा रेशियो के 23% तक के, तो मैं मतलब जो ऑर्डर पे आते हैं वो पेमेंट करके ही जाते हैं। अभी तक आप देख सकते हो 1,000 क्लिक्स आ चुकी है, उसमें 46 लोग विजिटर मतलब आए हैं मेरे ऑर्डर फॉर्म तक, और वहाँ से 11 लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा एक रेशियो है चल रहा है अभी, क्योंकि अभी जो कोरोना की इफेक्ट की वजह से बहुत कम सेल हो रही, फिर भी यार इतनी सेल हो रही तो कुछ बुरी नहीं है, ठीक है। अभी टोटल अर्निंग इनिशियल सेल 399 हुई है, और उसमें मुझे अपसेल मुझे मिली है 54। अपसेल कितनी हुई है, 3 मेरी अपसेल हुई है, तो एक एक्स्ट्रा मुझे बेनिफिट मिला 3 सेल का, ठीक है। तो अपसेल भी इसमें होती है, ठीक है। यहाँ एक मुझे मंथली सब्सक्रिप्शन मिला था बट उसने पेमेंट नहीं किया, वो कैंसिल कर दिया। टोटल पेमेंट हुए 19 मेरे अभी तक के। अभी दूसरा एक रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन जितने भी हुए होंगे वो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए आपको यहाँ ग्रोस अमाउंट कितनी है, नेट अमाउंट कितनी है, अर्निंग कितनी है, आप चेक कीजिए। यहाँ नेट अमाउंट है $37, मुझे अर्निंग हुई $31, 54 है, 45 डॉलर, मतलब कमीशन कितना 90% तक का कमीशन वो देख
वो लोग हमें दे रहे। तो सबसे बेस्ट है यार जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग। और दूसरा एक आप देखिए कंट्री, कौन सी कंट्री मोस्टली आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, तो मोस्टली अर्निंग है यूनाइटेड स्टेट से ही है। दूसरी मेरी थोड़ी बहुत यूनाइटेड किंगडम से एक दो आई है, 3 बेल्जियम से आई है, तो देख सकते हो। तो मोस्टली अर्निंग आपको यूएस से ही होगी, बट अब यूएस में और यूरोप में कोरोना का सब कुछ चल रहा है, इसकी वजह से अर्निंग बहुत कम हो गई है। बट आप जो फ्री में अर्निंग कर रहे हो तो क्या दिक्कत है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट का चल रहा है, उसके ट्रैफिक आ रहा है और सेल हो रही है, क्लिक भी मैं बहुत कम हो रही है, मैं कोई कैंपेन भी नहीं चला रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत लॉस में जा रहा है कैंपेन, और मैं ऐसे भी पहले से ही फ्री ट्रैफिक में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं Digistore24 के, इसके अलावा सेल्स का है, तो बहुत सारे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ अकाउंट ओपन कीजिए और इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ईमेल वेरीफाई करना है और मैंने बताया वो पेमेंट वाला शेड्यूल कर दीजिए और आप आके यहाँ प्रमोट कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट है ओवरनाइट मिलियनेयर कन्वर्ट अभी अच्छा हो रहा है, तो मैं कहूँगा कोई पेड एडवर्टाइजमेंट अभी मत करना, ठीक है। अभी जो कर रहे हो तो फ्री ट्रैफिक भेजने का ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको सेल आएगी। अभी यहाँ मार्केट खराब है तो सेल आने में दिक्कत होगी, बट आप यहाँ स्टडी कीजिए, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी बातें हो गई Digistore24 के बारे में, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है और आपको कुछ ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक आपको बताना चाहूंगा, जिन लोग को क्लिक बैंक के अकाउंट ओपन करने में दिक्कत आ रही है, दो तीन बात आप मुझे प्लीज बता दीजिए तो हम दूसरों की भी हेल्प कर पाए, ठीक है। जो सबसे पहली बात है कि आप कौन से डिवाइस से आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, पहले। दूसरा दूसरी बात है, एक तो डिवाइस हो गया, उसके बाद है जो ईमेल आईडी है वो नॉर्मल जीमेल का आईडी यूज कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस ईमेल यूज कर रहे हो वो भी बताना। इसके अलावा आप कोई वीपीएन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो वो डिटेल के साथ मुझे कमेंट में बताइए, तो हम एक बात रिसर्च करेंगे कि कौन कैसे, मतलब कौन से अकाउंट है कि जिनके अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, जिनके अकाउंट ओपन हो रहे वो भी डिटेल में कमेंट में बताइए, तो आप दूसरों को हेल्प कर सके कि उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी 3 बार अकाउंट ओपन किया, तीनों बार सक्सेसफुली ओपन हो चुकी, मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैंने नॉर्मली ईमेल आईडी डाला है और मजेदार बात है कि मैंने एक ही लैपटॉप से किए थे, ठीक है, ये सब भी, तो आईपी भी चेंज नहीं किया, वीपीएन भी कनेक्ट किया, फिर भी मैंने किया, अकाउंट ओपन हो गया यार, तो दिक्कत नहीं हुई। तो आप यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसा हो जो एक लैपटॉप से नहीं हो रहा है तो दूसरे लैपटॉप से ट्राई कीजिए, दूसरे मोबाइल से ट्राई कीजिए, और डिवाइस मुझे कंफर्म बताना कि मोबाइल से कर रहे हो, ऐसा ना हो शायद मोबाइल की वजह से हो रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली प्रॉब्लम मालूम नहीं, कई लोग के हो रहे कई लोग को नहीं हो रहे, तो आप श्योर नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कैसे, मतलब आप साइन अप कर रहे हैं और क्या दिक्कत है, जिनको अकाउंट ओपन हो रहे वो भी कमेंट करके बताइए कि आपने कैसे साइन अप किया हुआ, तो ये सबको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे वीडियो में लाता रहूंगा एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, और आप नए हो तो या सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक वीडियो देखा तो शायद आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।